खालिद अब्दुल्ला क्या लगता है राज्यपाल धनखड़ क्या कह रहे थे और कौन से बदलाव की बात कर रहे थे वो? आजादी के बाद पहली बार ऐसा गवर्नर मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान देख रहा है जो गवर्नर हाउस में बैठ के महामान्य गवर्नर बन के इस तरह की भाषण और प्रेस मीडिया में आकर बता रहे हैं कि परिवर्तन करो, इसका मतलब राजनीति करने बैठे हैं। खालिद भाई, जगदीप धनखड़ से हमने भी कई बार बात की है, वो कह रहे हैं कि मेरा एक काम बता दीजिए जो मैं संविधान के दायरे के बाहर करता हूं। वो कह रहे हैं मेरा तो काम ही यही है कि अगर सरकार संविधान के दायरे से बाहर जा रही है तो मैं उसको संविधान याद दिलाऊं, और राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, राज्य में जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तो राज्यपाल होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनको सही रास्ते पर लाऊं। वो तो ये कहते हैं। अच्छी बात कही आपने, संविधान के खिलाफ कहां जा रहे हैं, यही तो संविधान के खिलाफ है कि आप गवर्नर हाउस में बैठकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, परिवर्तन की आवाज दे रहे हैं, यही जनता को परिवर्तन करने बोल रहे हैं। अब जनता को आप पॉलिटिक्स करवाने के लिए बैठे हुए तो ये संविधान के खिलाफ नहीं है तो क्या? इसका तो जवाब उनको देना होगा। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूं। अर्जुन जी, अर्जुन जी देखिए, अर्जुन जी देखिए, यही आरोप विपक्षी पार्टियां भी लगाती हैं, यही आरोप विपक्षी पार्टियां भी लगाते हैं कि सेंटर के एजेंट के तौर पर यहां पर काम कर रहे हैं राज्यपाल और वो राज्यपाल की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। यही पार्टियां, यही टीएमसी सेम यही आरोप लगाती है। अर्जुन जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, खालिद भाई को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम वो मान लिए कि भारतवर्ष में आजादी के बाद ऐसा कोई गवर्नर आया है जो संविधान के अनुसार काम कर रहा है, और गवर्नर ने एक भी वर्ड ऐसा नहीं कहा है जिससे वो कोई राजनीतिक वातावरण के बारे में बोला। इस बंगाल में पंचायत चुनाव में पीठ की हत्या की गई, 33% लोग नॉमिनेशन नहीं डाल पाए, और इस जगह पर यदि संविधान स्थापना की बात की जा रही है कि लोग स्वतंत्र रूप से वोट दें तो इसमें इनको क्या तकलीफ है? देखिए, बंगाल का एक कल्चर है, यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। बंगाल में जो अत्याचार के खिलाफ खड़ा होगा उसके पीछे पब्लिक आती है। आज टीएमसी के सरकार के अत्याचार के खिलाफ, लूट के खिलाफ नहीं, तो फिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है अर्जुन जी कि राज्यपाल और सरकार के बीच इतनी तलखी क्यों दिखती है? देखिए, यदि आप सही बात कहेंगे ममता बनर्जी के मुंह पर अगर सही बात आप कहेंगे तो ममता बनर्जी उठाकर जेल में डाल देती है। वो तो हमारे गवर्नर साहब हैं, इनको जेल में नहीं डाल पाएगी, नहीं तो इनको भी उठाकर जेल में डाल देती। गवर्नर साहब जो भी बात करते हैं वो संविधान के दायरे में बात करते हैं, और इन्होंने एक भी कोई टीएमसी का, यहां तक मैं ममता बनर्जी को भी चैलेंज करता हूं, एक भी ऐसा वर्ड वो निकाल दें इतने दिनों के जीवन में, उनके पीरियड में, जिसमें कभी संविधान के बाहर जाके बात किया। मैं इस बात दीपक दीवान का भी कमेंट लेना चाहता हूं उस पर। दीपक दीवान, देखिए, मेरे ख्याल से पिछले 20-30 सालों का इतिहास देख लें तो जगदीप धनखड़ वो राज्यपाल हैं जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, वरना अक्सर राज्यपाल की खबरें इतनी नहीं आती हैं। तो इस तरह से जगदीप धनखड़ का एक्टिव होना और टीएमसी का उन पर इस तरह से हमले करना, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पश्चिम बंगाल की सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है? मैं आ रहा हूं खालिद भाई आ रहा हूं। गौरव अगर आप पूरा बैकग्राउंड इतिहास देखें टीएमसी का, इन्होंने इनकी किसी भी सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव से नहीं बनी। इनका अगर आप बैकग्राउंड देखें, इनका ना तो सेंटर से कभी बनी है, इन्होंने हमेशा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी बोला है कि वो ही इज़ नॉट माई प्राइम मिनिस्टर। ऑन रिकॉर्ड है आपके पास, देखें पुराने वीडियो निकालिए आप, उन्होंने कहा ही इज़ नॉट आवर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा भी बोल चुकी हैं वो। बिल्कुल। तो पता नहीं किस तरह की राजनीति वो खेल रही हैं। तो इसी, और आपको मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने सारी पार्टियों के साथ अलायंस कर चुकी हैं। ये 1999 से लेके 2001 तक ये एनडीए के साथ भी रही हैं। ठीक, बिल्कुल, आपको याद होगा। बिल्कुल। फिर यूपीए के साथ रही हैं 2019 से लेके 2012 तक। बिल्कुल। और फिर थर्ड फ्रंट के साथ रही है 2012 से लेकर कुछ साल तक रही, और सितंबर 18, 2012 को इन्होंने विड्रॉ भी अपनी सपोर्ट विड्रॉ करी थी यूपीए गवर्नमेंट से, आपको याद होगा। अब मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में शायद जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश की यात्रा पे गए थे तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ था उनको इनवाइट किया था, और ममता बनर्जी को भी इनवाइट किया था वहाँ साथ चलने के लिए। ये नहीं गई।
आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री दोबारा गए वहाँ तीसरा एग्रीमेंट साइन होना था, ममता बनर्जी ने जाने से इनकार कर दिया। अभी रिसेंटली नीति आयोग की मीटिंग का ये बहिष्कार कर रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो ममता सरकार है उन्होंने हमेशा ही केंद्र से अपने रिश्तों को एकदम तल्ख रखा है और कभी भी साथ नजर नहीं आई है, चाहे वो देश हित का मुद्दा हो, राज्य हित का मुद्दा हो। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।